हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल प्रणाम शीबा इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती है स्वागत करती है आपके चहेते प्रोग्राम परवाज में और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से एक मायानाज अजीम शख्सियत से जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जादुई आवाज़ से, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस आवाज़ से जिसमें रूहानियत है और जहाँ रूहानियत हो वहाँ मैजिक क्रिएट क्यों ना हो। ऑब्वियसली हम आपकी मुलाकात आज करवाने जा रहे हैं पद्मश्री पीनाज मसानी से, जिन्हें गज़ल की शहजादी का खिताब मिला है। अगर हम यूँ कहें तो गलत नहीं होगा कि मलिका तरन्नुम है वो। हमारे रूबरू है इस वक्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदाब नमस्कार। अच्छा लग रहा है आपको देख के, बहुत सालों से आपको गाते हुए देख रहे हैं, परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और कम उम्र में ही आपने शुरुआत की थी, आपने अपनी परवाज को उड़ान दी थी, परवाज भरी थी। जी शीबा, मैं एक पारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पिताजी मरहूम डॉली मसानी को संगीत से बहुत लगाव था। आफ्ताब मौसिकी उस्ताद फैयाज़ ख़ान साहब के शागिद रहे, तो जिस घर में गाने बजाने का माहौल हो बच्चों को शौक़ हो जाता है, मुझे शौक़ हुआ और इस तरह से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना बचपन में शुरू हुआ। मतलब घर का माहौल चारों ऐसा था, ऑब्वियसली आपका रुझान उस और केंद्रित होना, उस और रागिब होना बहुत जरूरी था। और फिर आपने शुरुआत की, बचपन से ही आपने गाने गाने शुरू किए थे। गजल की तरफ रुझान आपका कब और किस उम्र में गया? सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा शीबा। मैं क्लासिकल गाती थी, फिर जैसे बड़ी हुई फिल्मी गाने वगैरह गाती थी, उसके बाद एक प्रतियोगिता होता था लेट 70s में जिसको कहा जाता था सुर संगम, सुर सिंगार संसद, रंग भवन हुआ करता था। तो वहाँ पे होता था ऑल इंडिया म्यूजिक कंपटीशन। तो मैं बच्ची थी उस वक्त, कम सिन सी, पतली सी, दुबली सी, और मैंने भी हिस्सा लिया। कितने साल की होंगी आप? 12-13 साल की थी उस वक्त और मैंने भी हिस्सा लिया। दो फिल्मी गाने गाने थे तो उसमें जज के हैसियत से थे जयदेव जी, नौशाद साहब, रविंद्र जैन जी और शिव कुमार जी, तो उसमें मुझे पहला इनाम मिला। तो जयदेव जी जो जज थे उन्होंने आपको नोटिस किया और फिर मैं उनके पास जाती रही, टेलीविजन के प्रोग्राम आरोही होता रहा। फिर उन्होंने कहा कि ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि एक पारसी खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की हिंदी और उर्दू जबान कैसे बोलती है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसी एक मायनाज हस्ती से इंट्रोडक्शन कराना, तारुफ कराना चाहता हूँ जिससे मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। तो मैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो वो खातून, वो अजीम फनकारा है मधुरानी जी। तो मधुरानी जी से जब मुलाकात हुई, बहुत मिन्नत समाजत करके जयदेव जी ने कहा इस बच्ची को संभाल लो, इस बच्ची को सिखा दो। आपकी उड़ान, आपकी परवाज जो फिर शुरू हुई वो अभी तक जारी है, बिल्कुल बरकरार है। आपकी दुआओं से लोगों का प्यार है हमेशा मिलता रहा और उम्मीद है हमेशा मिलता रहे। बहुत अच्छा गाती है, ना सिर्फ हम ये कहें, हम कहेंगे आपके अंदर वो जादू है, वो हर एक में नहीं होता, किसी न किसी में वो सलाहियत होती है जो गज़ल को बेहतरीन तरीके से शायकीन के सामने प्रेजेंट करें और परफॉर्म करें, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आपका डिक्शन उर्दू का बहुत ही अच्छा है और तलफ़ बहुत ही अच्छा है और ये गज़ल सिंगर के लिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके हिसाब से किस हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उर्दू पर उबूर हासिल होना ताकि आप बेहतर तरीके से गज़ल गा सकते हैं? अरे वो तो बहुत ही ज़रूरी है शीबा, और मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरी मादर ज़बान उर्दू नहीं है, हम लोग गुजराती और इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि गज़ल का उन्वान हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है कि जो पहले जो पोइट रहे हैं वो पोशिया से रहे हैं, बाबा रूत की, जिसकी ज़रिए हम लोग गज़लें गाते हैं। और पारसीज भी पर्शियन से ही, पर्शिया से ही आते हैं, लेकिन यहाँ आते आते काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी चेंज परिवर्तन हो गया और हम लोग गुजराती बोलने लगे। लेकिन मैंने उर्दू सीखा
माहौल का असर बहुत हुआ, जहाँ मैंने उठती बैठती हूँ मधुरानी जी के वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे उस्ताद और आलिम फाजिल लोग आते हैं तो बातें उर्दू में होती हैं, तो माहौल का बहुत बहुत असर होता असर है, पड़ता है। या अगर आपने आप किताब से उर्दू सीखा स्कूल में, घर आ गए माहौल बिल्कुल अलग है, तो फिर वो बात वो खुशबू आती नहीं। तो ये जो थोड़ी बहुत मैं उर्दू बोल लेती हूँ और कोशिश करती हूँ, आज भी कोशिश करती हूँ, वो माहौल की वजह से है। अच्छा, आपने फिर शुरुआत की एज ए प्लेबैक सिंगर भी, अगर हम बात करें 1981 के दशक में, एज अगर हम कहें मुकम्मल तरीके से आपने एज ए प्लेबैक सिंगर की शुरुआत की, आपने शुरुआत की फिल्मों से ही। करेक्ट शीबा, बहुत कम लोगों को ये पता है कि ज़्यादातर लोग गज़लें गाते हैं और फिल्मों में जाते हैं। हाँ, मैंने फिल्मों से शुरू किया और गज़लों के फील्ड में आ गई। राजेश रोशन ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखा, शाम गज़ल, उसमें मैंने दो गज़लें गाई थी, एक मीर तकी मीर की थी और एक मिर्ज़ा गालिब की थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे एक फिल्मी गाने का ऑफर दिया। तो मैं मेरा पहला जो गाना था वो अलका याग्निक जी के साथ था, दोनों ने साथ में शुरू किया, आप फर्स्ट सॉन्ग टुगेदर, एंड अलका फिल्मों में गई और मैं गजलों की। यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग? पक्का जामुन तोड़ो नहीं, पक्का जामुन तोड़ो नहीं, मेरे पेड़ पर चढ़ो नहीं, पक्का जामुन तोड़ो नहीं। इट्स अ फंकी टाइप ऑफ अ सॉन्ग एंड वी वर बोथ गिगलिंग एंड लाफिंग अवे इन ग्रीन रूम में कि कैसे कैसे अल्फाज हैं, लेकिन आई रिमेम्बर दैट वाज द सॉन्ग वी सांग टुगेदर। उसके बाद आपने कई और फिल्मी गाने गाए, बप्पीदा ने जयदेव जी के लिए गाया, बप्पीदा के लिए मैंने गाया था फॉर विश्कन्या, जब बेदी का फर्स्ट फिल्म, एंड जगमोहन मुंद्रा जी का, और काफ़ी फिल्में। लेकिन उसके बाद इतनी फिल्में करने के बाद आप फिर गज़लों में आ गई, सो उसका रीज़न क्या था, सबसे बड़ी वजह उसकी क्या थी कि आप गज़ल सिंगर ही बनना चाहती थी, या फिल्मों में उस दौर में उतनी गज़लें नहीं सामने आती थी, लोग लिखते नहीं थे उस तरह? जब भी कोई फिल्म का गाना मुझे मिलता था मैं गाती थी, लेकिन चूँकि शाम गज़ल आरोही वगैरह आने लगे टेलीविज़न पर उस वक्त, तो लोग ने मुझे एज अ टेलीविजन आर्टिस्ट बहुत पहचान नोटिस किया। आई ओ माय सक्सेस टू दूरदर्शन, डेफिनेटली, और तब दूरदर्शन ही था जी। तो तब कॉन्सर्ट्स के ऑफर्स आने लगे, म्यूजिक इंडिया उस वक्त पॉलीडोर था, प्रोग्राम सुन के वो तुरंत आ गए और कहा वी लाइक टू साइन यू अप, आप चाहते हैं कि आप एक एल्बम बनाएं, तो इस तरह से मेरा पहला एल्बम बना आपकी बज़्म में, पिनाज मसानी। तो ये कारवां शुरू होता गया एल्बम्स का सिलसिला उस वक्त, और आपने एल्बम्स बहुत उस दौर में जब एल्बम्स बनते ही नहीं थे, आपने शुरुआत की पहल की, और उसके बाद तो बाकी लोगों ने भी बहुत लोग आए, बहुत लोग थे, जगजीत जी थे, पंकज तलत अजीज साहब के साथ भी आपने बहुत काम किया, खालिद साहब की बहुत ही अच्छी गजल, एंड दैट इज दिले नादा तुझे और एक और भी था, ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत। वाह, क्या बात है, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें हो रही हैं, वाकई में आपकी आवाज़ में जादू है, वो कशिश है कि हम ये कह सकते हैं कि एक गज़ल को बेहतर तरीके से
आप जैसी शख्सियत ही गा सकती है जो आपने करके दिखाया। नहीं नहीं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट और भी हैं, मैं कोशिश करती हूँ और मेरी गुरु मधुरानी जी के नक्शे कदम पे चलने की, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ। हाँ, कोई एक मेंटर रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये हर एक औरत के लिए भी, लड़की के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में उनके अलावा, मधुरानी के अलावा, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम था जिसने आपको बूस्ट किया, आपको कहा नहीं मेरे आप बहुत आगे चल सकती हैं लाइफ में? मतलब होता है ना कि एक जज्बाती सपोर्ट होता है लाइफ में, सो कौन है वो शख्स? मेंटर्स में यानी शुरुआत में तो जो हौसला अफजाई मेरे माता पिता ने थी, वालिद वालदेन ने, उनका इनकरेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो फूल खिलेगा। उसके बाद जयदेव जी, एंड मैं जितना भी कहूँ मधुरानी जी के लिए उतना कम होगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे फनकार आर्टिस्ट हैं जो खुद बहुत अच्छा गाते हो, गाने के अलावा खुद बहुत अच्छा सिखाने की एक जो ताकत है वो रखते हों, और बहुत अच्छे कंपोज़र हों, क्रिएशंस बहुत अच्छे करें, और सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी इंसान हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ, हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि पिछले जन्म में ज़रूर मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे, कि इस जन्म में मुझे मधुरानी जी मिली। आपने बहुत कॉन्सर्ट्स भी किए हैं, आप कर भी रही हैं, अब्रॉड भी आपने अपने देश का नाम, मुल्क का नाम बहुत ऊंचा किया। इनफैक्ट आप हर एक औरत के लिए, लड़की के लिए इंस्पिरेशन रही है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। टेल अस अबाउट दैट, बाहर के कॉन्सर्ट जब आप करती हैं, सो पहला शो था 1981 में भोपाल में, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, शुरुआत अफ्रीका, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, सेशल्स, फिर आप जापान, कोरिया, द फिजी आइलैंड्स, अमेरिका, द यूके, तो काफ़ी, एंड ऑल नेबरिंग कंट्रीज, आई डन भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो ऑडियंसेस के सामने अपने संस्कृति, हिंदुस्तानी तहजीब, संस्कृति, अपने गज़लें, गीत पेश करना, लोगों को लोग बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, एंड उनको ज़बान भी नहीं आती, फिर भी जैसे कहते हैं ना, संगीत की कोई ज़बान होती है, सुर की कोई ज़बान होती नहीं है, तो वही हो जो दिल को छू ले। तो काफ़ी कॉन्सर्ट्स किए हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हिंदुस्तान में तो किए ही हैं जी, हमेशा काफ़ी कॉजेस के लिए किया है। हाँ, यहाँ पे वो कॉज की बात आई, आपने गर्ल चाइल्ड के लिए भी अपनी मौसीकी के एतबार से, हवाले से, अपनी गायकी से काफ़ी कुछ लोगों तक पहुँचा जी। और एक संगीत और मौसीकी एक माध्यम रहता है, एक जरिया रहता है, जिसके हवाले से अगर कोई बात कन्वे कर लेते हैं, वो लोगों के दिल को फटाक से छू जाती है। क्या हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में एक बहुत अच्छे सज्जन हु वाज़ आर एक्स इलेक्शन कमिश्नर, याकूब कुरैशी भाई थे, तो उन्होंने कहा हम लोग एक बेड़ा उठाना चाहते हैं बेटी बेटी के लिए, अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड, तो बेटी बचाओ, एंड दिस वाज वे बैक इन 2004-2005। तो हमने एक गाना रिकॉर्ड किया विच वाज देन अडॉप्टेड बाय यूनिसेफ, निदा फाजली साहब ने उसके लिरिक्स लिखे थे और शांतनु मोहित्रा ने उसका गाना दिया था, तो दो लफ्ज़ में गुनगुना। काफ़ी छोटे बड़े शहरों में जहाँ पे ज़्यादा भ्रूण हत्या हो, वहाँ पे मैंने गाया, बेटियों को लेके, बच्चियों को लेके स्टेज पे, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। कैन वी हैव फ्यू लाइंस प्लीज? सांसों में प्रीत भरे, रागों में गीत भरे, सपनों में रंग भरे बेटी, सांसों में प्रीत भरे, रागों में गीत भरे, सपनों में रंग भरे बेटी, लक्ष्मी का दीप जले, आरती का शंख बजे, जिस घर में वास करे बेटी। बेटी भी है बेटे सी, पूजा की है धूप, एक ही शक्ति के दोनों ही है रूप, फिर भी सितम है कैसा ये जुलम है, बेटा तो जन्मे
मरे बेटी, बेटा तो जन्मे मरे बेटी। तो ये बहुत जी बहुत खूबसूरत गाना हुआ था और ये हमने गाया था और रिकॉर्ड किया था और जगह जगह इसकी प्रस्तुति की थी। और आज भी ऐसा दौर है कि अभी भी जहाँ हम कह रहे हैं कि बेटी को बराबर स्थान मिल रहा है, जहाँ इक्वेलिटी की बात हो रही है कि दोनों इक्वल है, कोई जेंडर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेकिन है फिर भी कहीं ना कहीं तो अभी भी हो रहा है। और आप इस तरह की बात अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात आ ही जाएगी, घर करेगी कि नहीं। अभी लड़कियां अब तो देखिए बहुत लोग चाहते हैं कि लड़की हो, क्योंकि लड़की ही ज्यादा ईमानदार होती है और पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहती है। हाँ, आप भी बहुत क्लोज रही हैं बिल्कुल अपने माता पिता के साथ, वालिदैन के साथ। तो ये एक एटीट्यूड चेंज करने की बात Exactly. जो बहुत बहुत जनरेशन से जिसकी चलता रहा है और अभी स्टॉप होना चाहिए। और आप जैसी ही महिलाएं, आप जैसी ही शख्सियतें इसको इसमें बदलाव ला सकती हैं अपने गायकी के जरिए, मौसीकी के जरिए, कुछ भी हम कर सकते हैं संगीत के जरिए, क्योंकि संगीत ने, मौसीकी ने हमें इतना इतनी खुशी दी है, इज्जत दी है, पूरी दुनिया में एक नाम मैंने कमाया है आप सबकी दुआओं से। तो अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं हमेशा हाजिर रहती हूँ। मैल न्यूट्रिशन के लिए भी हमने एक बेड़ा उठाया था, सिटीजन्स अलायंस अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन, एक अक्रॉस पार्टी लाइंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ग्रुप है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और हम लोगों ने बेड़ा उठाया था कि मैल न्यूट्रिशन को हम 10% नीचे लाएँ, और वो कोशिश करते हैं। आई होप कि बहुत अच्छा हो और सब लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाए कि हम लोगों को स्टैंड होना है, हम लोगों को कुछ करना है और हम खुद ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ बातें नहीं करेंगे तो और अमल करके। हाँ पीना जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है, मुनासिब है, आपसे पूछना भी बहुत ज़रूरी है कि आप को पैसों की चिंता नहीं होती है, डिफेंस के लिए आपने बहुत कुछ किया है, उनके लिए गाया है, नहीं उनके अंदर आत्मविश्वास जताया है, जब जब बुलाते हैं आप सीना तान के हाजिर हो जाती हैं। मैं डिफेंस के लिए बहुत कॉन्सर्ट्स और दिल और जान से करती हूँ, क्योंकि वो दिल और जान से हम सब की रक्षा करते हैं। तो जब भी कभी भी बुलावा आता है, यहाँ तक कि सबसे प्रिय शहर जो आप कहते हैं मुझे, जहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, वो है लद्दाख। तो ले में हर रेजिंग डे ऑफ लद्दाख स्काउट्स में जाती हूँ, क्या बात, और वहाँ कॉन्सर्ट्स करती हूँ, या जहाँ भी हो, चेन्नई, जबलपुर, अरुणाचल, हर जगह मैं मैंने कॉन्सर्ट्स दिए हैं फॉर द आर्म फोर्सेस, ईस्टर्न कमांड, यस, इवन इन दिल्ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई लव सिंगिंग for the armed forces, for the officers and the jawans. क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि हम सबको पता है जो जवान होते हैं हम लोग बहुत अपने घर वालों से दूर रहते हैं। तो मैं वहाँ अभी फिलहाल लद्दाख गई थी ले, और वहाँ पे सियाचिन जाते हैं, आप बॉयज गो 3-3 महीने सियाचिन, जहाँ पे आप सांस लेने के वहाँ 3-3 महीने रहते हैं। तो यानी इट्स सच अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़ के, अपने देश की हिफाजत के लिए खुद की परवाह ना करते हुए ये लड़ते हैं। तो हम पे बहुत वाजिब आता है कि जो कुछ हम लोग अपनी तरह से कर सकते हैं, फॉर द आर्म फोर्सेज आई डू इट, हैट्स ऑफ टू देम फॉर हेल्पिंग अस टू ब्रीथ, टू डू एन इंटरव्यू, टू बी सो फ्री, टू हैव सो मच फ्रीडम। हम लोग ना अपनी जो आज़ादी है ना, उसको कभी कभी वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो आज़ादी हमें मिली है वो हम बरकरार रखें, अच्छे सिटीजन्स बने, खुशी से जिंदगी बसर करें, अमन और शांति का माहौल रखें, कायम रखें, क्योंकि जिंदगी एक ही बार आती है और बहुत ज़रूरी है कि अच्छी तरह से हम जिए, खुशी से जिए, दिलो दिमाग सही रखें और खुश रहें। माध्यम है जी जिसके जरिए आप ये बात हर एक तक पहुंचा सकते हैं कि भाईचारगी क्या होती है, और म्यूजिक हमें सिखाता है कि आप रिश्तों की अहमियत, और म्यूजिक ये भी सिखाता है कि जबान नहीं होती संगीत की, जो जिसको दिल से छू लेने वाली बातें हैं वही है संगीत। कई साल हो गए, कई डेकेड्स हो गए और आपने राज किया है गजल गायकी पर, आज भी आप राज ही कर रही है, आगे क्या इरादा है, कुछ ऐसा
इरादा करने का है, कुछ नया जो हमने देखा नहीं है। इतनी ख्वाहिशें और हैं, हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत बहुत सही है। और यही है कि मैं जाऊं लोगों के सामने और जाऊं और गाना गाऊं, कोई और अगर मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं थ्रू म्यूज़िक तो मैं हमेशा हाजिर रहती हूं। कोई भी अच्छे काम के लिए जिसका ताल्लुक लोगों की भलाई और बहबूदी का हो मैं हमेशा तैयार रहती हूं, और हमेशा। और यूं उनकी बज्म में वो बहुत ही अच्छी गज़ल है और काफ़ी पॉपुलर भी है, मेरे दिल के बहुत करीब है, ज़रा सा हो जाए प्लीज़। वो मधुरानी जी ने एक किया था, बहुत मुश्किल गज़ल है और बहुत डिफिकल्ट। चलो गुनगुनाते हैं। यूं की बज्म में खामोशियों ने निकाम किया, सभी ने मेरी मोहब्बत का एतराम किया, यूं उनकी बज्म में खामोशी, यूं उनकी बज्म में खामोशियों ने। वाह, वो क्लासिकल टच जो है आपका, और मॉडर्न क्लासिकल गज़ल्स भी आपने गाई हैं और ट्रेडिशनल क्लासिकल गज़ल्स भी आपने गाई हैं, दोनों में आपका ज़बरदस्त उबूर हासिल है आपका, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमेशा गाती रहें। शुक्रिया। आपकी गज़लें काफ़ी आगे तक हमें ले जाएं और हमारे कानों को सुकून फराहम करती रहे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात हुई, बहुत ही कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि आप सबके लिए इंस्पिरेशन है तो गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक्स। बहुत अच्छा लगा शीबा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दिल की उम्मीद गहराई से आपको बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। आप हमें लिख सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, विच इज़ sheeba.lateef@nw18.com। आप अपनी परवाह जारी रखिए, उड़ान आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। बस जज्बा, जुनून, हिम्मत, हौसला इसको डगमगाने ना दें। कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट आए ना, उसे अपनी अच्छी सोच के साथ बदलाव लाओ, उसमें रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाएगी। यू गैस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ। खुदा हाफिज़।